consideration. You know that without consideration there is no contact. जहाँ पे consideration नहीं है वहाँ पे contact नहीं हो सकता है. एक हाथ से लेना दूसरे हाथ से देना तभी कोई transaction होता है. वैसे section 10 contract act में भी बोल रही है agreement तभी contract होगा जब उसमें lawful consideration होगा. What is consideration? हम सिंपल मीनिंग में ऐसा समझते हैं, हम किसी को एक थप्पड़ मारते हैं किसान वो दो मारता है. सिर्फ देना नहीं होता है, लेना भी पड़ता है. That is something in return. Something in return quid pro quo. तो लैटिन वर्ड में सिंपल मीनिंग ऑफ कंसीडरेशन दैट इज नथिंग बट क्विड प्रो क्यू समथिंग इन रिटर्न. सिंगल प्रॉमिस कंसीडरेशन के अलावा पॉसिबल नहीं है. जब आपको कोई भी प्रॉमिस करना है तो कुछ ना कुछ तो देना ही पड़ता है. वाइल इन इंग्लिश लॉ इट्स ए वेरी इजी डेट्रीमेंट लॉस फॉरबियरेंस सफर टू ए वन पार्टी दैट इज अ प्रोमिसर. बेनिफिट इंटरेस्ट अक्रू टू अनदर पार्टी दैट इज अ प्रोमिसिंग. आप बाइक लेने जाओगे दुकान वाला आपको बाइक देगा उसकी वो ऑब्लिगेशन है. उसकी वो ऑब्लिगेशन के लिए हमसे वो मनी लेता है. फॉर द बेनिफिट ऑफ द प्रोमिसी प्रोमिसी हिमसेल्फ और थर्ड पार्टी विल गिव द कंसीडरेशन. आप सब टू व्हीलर चलाते हो तो उसका कंसीडरेशन आपने नहीं दिया है, आपके पापा ने दिया, इसलिए आप चला रहे हो. सो इंग्लिश लॉ वेरी इजी बेनिफिट टू वन लॉस टू अदर दैट इज नथिंग बट कंसीडरेशन. सेक्शन 2D ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट व्हाट सेज कंसीडरेशन मींस एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर प्रोमिसी और थर्ड पार्टी हैज डन और एब्सटेंस फ्रॉम डूइंग डज और एब्सटेंस फ्रॉम डूइंग टू डू और एब्सटेंस फॉर डूइंग. यह सेंटेंस आपको बहुत टफ लगेगी लेकिन दो चीज याद रखो, यहां पे पॉजिटिव एक्ट एंड नेगेटिव एक्ट दोनों यूज किया है. यहां पे तीनों टेंस भी यूज किए हैं. डज मींस करूंगा पॉजिटिव एक्ट, एब्सटेंस यानी नहीं करूंगा. मैं आपको बाइक दूंगा तो मुझे मनी दो दैट इज द डज. एब्सटेंट मैं सीए का क्लास नहीं करवाऊंगा, अब बीकॉम का मत करवाना. मैं एक्स आइटम प्रोड्यूस नहीं करूंगा, अब वाई आइटम प्रोड्यूस नहीं करना. इट्स ए एब्सटेंस. एब्सटेंस नेगेटिव एक्ट, डज पॉजिटिव एक्ट. हैज डन यानी पास्ट मैंने ये किया था. हैज एब्सटेंस यानी पास्ट नेगेटिव एक्ट मैंने ये नहीं किया था. डज मैं ये कर रहा हूं. एब्सटेंस मैं ये नहीं कर रहा हूं. टू डू मैं ये करूंगा. टू एब्सटेन मैं ये चीज नहीं करूंगा. इसका कॉम्बिनेशन करके पूरा एक डेफिनेशन बनाया है. इट मींस कंसीडरेशन मे बी पास्ट मे बी प्रेजेंट एंड मे बी फ्यूचर. तो आपको कंसीडरेशन सेक्शन 2D में भी डिफाइन किया है. फ्रेंड्स एक एग्जांपल आपके मॉड्यूल में दिया है. एक्स को गुड्स पड़ा था, उसे वाई को बोला ये गुड्स तू लेके जा, प्रयोग में लेके जा. इज इट ए कंसीडरेशन वैलिड? फ्रेंड डिपेंड्स ऑन सर्कमस्टेंसेस. हमारे घर में कई बार ऐसा होता है स्क्रैप पड़ा होता है और बंजर जमीन में कुछ ऐसा होता है जंगल जैसा, जो आप किसी को बुलाते हो उसको बोलते हो ये साफ करके जा, उसका वुड जो है लकड़ा है तो लेके जाना, वो मुझे नहीं चाहिए. जो साफ हो गया ना, क्लीन हो गया ना, इट्स माय कंसीडरेशन. वो वुड मिला ना, वो आपका कंसीडरेशन. जगह मिल गई मुझे, वो मेरा कंसीडरेशन. उसमें से जो निकला वो तेरा कंसीडरेशन. ऑल्दो इट इज फ्री ऑफ चार्ज है लेकिन दोनों पार्टी को कुछ डेट्रीमेंट है, दोनों पार्टी को कुछ बेनिफिट. हेंस इट्स ए वैलिड, हेंस इट्स ए वैलिड. सो फ्री ऑफ चार्ज है तभी भी दोनों को डेट्रीमेंट है या बेनिफिट है
तो हम वैलिड कंसिडरेशन बोल सकते हैं। फ्रेंड नाउ लीगल रूल्स ऑफ कंसिडरेशन, कौन सा कंसिडरेशन वैलिड माना जाता है? सबसे पहले डिजायर ऑफ द डोमिसाइल। आपने शोरूम वाले से बाइक परचेस किया, उसने बोला था चेक से पेमेंट करना, पड़ोसी ने बोला कैश से चलेगा, अब कंपलसरी चेक से ही करना है। अब कॉन्ट्रैक्ट किसके साथ है? डोमिसाइल के साथ। डोमिसाइल ने जैसे बोला है, जहां बोला है, जिस फॉर्म में बोला है, उसी फॉर्म में आपको पेमेंट करना पड़ता है, एट द डिजायर ऑफ द डोमिसाइल। समझ लो किसी का कुछ मकान फायर की वजह से बर्न हो रहा था, आपने पानी डाल के वो फायर को बुझा दी, तो फायर बुझाने का क्या कंसीडरेशन मांग सकते हो? ऑब्वियसली नो। डोमिसाइल ने बोला नहीं था आपको फायर बुझाना, मैं आपको 1 करोड़ दूंगा, ऐसा नहीं बोला था। लेकिन आप एक्चुअल एक्सपेंडिचर जो था ना पानी का टैंकर मंगवाने का, वो मांग सकते, लेकिन उसके अलावा आप कंसीडरेशन मांग नहीं सकते। आपने वॉलंटियरली किया है, उस बंदे ने आपको बोला नहीं था, डिजायर ऑफ द डोमिसाइल नहीं था, डिजायर ऑफ द डोमिसाइल नहीं था। कंसीडरेशन मे बी गिवन फ्रॉम द थर्ड पर्सन ऑल्सो, थर्ड पर्सन भी कंसीडरेशन दे सकता है। आपका एक्टिवा, स्कूटी, बाइक, उस सब का पेमेंट आपके पापा ने किया है, तभी आप चला सकते हो। इट मींस इट मे मूव फ्रॉम द थर्ड पर्सन ऑल्सो। एग्जाम मॉड्यूल में दिया है, ए अपनी डॉटर को एक प्रॉपर्टी दे रही है, डॉटर को बोला कि तेरे अंकल को यानी ए के ब्रदर को एवरी ईयर इतना पेमेंट करना। बाद में डॉटर ने पेमेंट नहीं किया, वेदर अंकल कैन सी ऑन डॉटर? यस, ऑन बिहाफ ऑफ अंकल ए हैज पेड द कंसीडरेशन, इट इज वैलिड, हेंस अंकल कैन सी ऑन द डॉटर ऑफ ए। ए ने बोला था, डॉटर को बोला था ये प्रॉपर्टी अब एवरी ईयर अंकल को पे करना, डॉटर ने नहीं किया, तो अंकल डॉटर पे सीयू कर सकता है। थर्ड पार्टी के बेनिफिट के लिए दिया था, यानी अंकल के बिहाफ ए ने दिया था, इसीलिए कंसीडरेशन गिवन बाय ए ऑन बिहाफ ऑफ अंकल इज वैलिड। थर्ड पार्टी कंसीडरेशन दे सकती है, कंसीडरेशन मे बी एग्जीक्यूटेड मे बी एग्जीक्यूटरी। आप 12th कॉमर्स का फी भर के 12th कॉमर्स का क्लासेस लेके आ गए हो, दैट इज एग्जीक्यूटेड। आपने सीपीटी का फी भरना है, मुझे पढ़ाना है, दैट इज एग्जीक्यूटरी। एग्जीक्यूटेड यानी पास्ट, एग्जीक्यूटरी मींस फ्यूचर, एग्जीक्यूटरी मींस फ्यूचर। फ्रेंड्स पास्ट कंसीडरेशन इज ऑल्सो वैलिड इफ इट इज रियल एंड मोटिव। मैं यहाँ खड़ा हूँ, मेरा शूज क्लीन कोई बच्चा कर रहा है, ट्रैफिक सिग्नल के पास में खड़ा हूँ, मेरा ग्लास है कार का वो कोई क्लीन कर रहा है, तो उसका मोटिव क्या है मुझसे कुछ लेने का? मैं वहां पे एग्जिस्ट था, उसका मोटिव भी था सामने वाला, मुझे मालूम भी है, तो पास कंसीडरेशन वैलिड है। ऑल्दो उसने वॉलंटियरली नहीं किया है, मोटिव ऑफ द कंसीडरेशन था, इसीलिए मुझे पे करना पड़ेगा। लेकिन कोई पेट्रोल पंप के पास खड़ा रहूंगा तो पेट्रोल फिलअप करवा था, इसीलिए वो लोग ऐसी अरेंज करते हैं कि मेरा ग्लास साफ करके दे, वो तो वॉलंटियरली है। सामने वाला वॉलंटियरली कर रहा है तो वो कंसीडरेशन वैलिड नहीं है, सामने वाला कंसीडरेशन के मोटिव से कर रहा है तो पास कंसीडरेशन भी वैलिड है। कंसीडरेशन शुड बी समथिंग, इट्स नीड नॉट एडेक्वेट। 10,000 की चीज आपने 8,000 में लिए तो भी चलेगा, इट हैज सम वैल्यू, इट शुड बी रियल। कंसीडरेशन है आप बोलते कि नहीं नहीं वो स्काई में आकाश में 5 स्टार है ना, वो ले ले दिया तुझे, इट्स नॉट ए कंसीडरेशन, इट्स नॉट ए रियल। 10,000 वाली बाइक 6,000 में बेची तो वैलिड है, लेकिन इट शुड बी समथिंग, इट शुड बी समथिंग, जरूरी नहीं है इट शुड बी एडिक्वेट। लेकिन किसी ने दगा किया है या नहीं किया है वो जानना है, एट द टाइम देखना है कि एडिक्वेट है या नहीं। जनरली कम कंसीडरेशन को कब बेचेगा? जब उसको कुछ फ्लड हुआ होगा, तो वेदर फ्लड हुआ या नहीं वो जानने के लिए आप कंसीडरेशन एडिक्वेट है या नहीं वो देखोगे, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है या नहीं वो देखने के लिए कंसीडरेशन समथिंग चलेगा, तो उसके लिए एडिक्वेट कंसीडरेशन की जरूरत नहीं है, कंसीडरेशन समथिंग भी चलेगा। और कंसीडरेशन रियल होना चाहिए वो भी आपने देखा, लीगली बाउंड, मुझे जो लीगली करना चाहिए वही मैं कर रहा हूं, तो कंसीडरेशन नहीं मांग सकता। पुलिस वाला ट्रैफिक पुलिस आपको रुकेगा,
रॉन्ग साइड में क्यों जा रहे हैं? तो आप बोलोग नहीं नहीं मुझे कुछ सी गवर्नमेंट ने लेफ्ट साइड जाने का कुछ मनी नहीं दिया, मैं क्यों लेफ्ट साइड जाऊं भाई, मुझे लेफ्ट साइड नहीं जाना है। पुलिस वाला क्या करेगा? फाइन, गाड़ी डिटेन, लीगली बाउंड है, मुझे राइट साइड चलना है तो मुझे राइट साइड ही चलना है। तो लीगली बाउंड है, उसके लिए मैं कंसिडरेशन नहीं मांग सकता। आप यहाँ पे खड़े हो, सामने बाहर देखोगे किसी का मर्डर हो रहा है, अब दौड़ते दौड़ते वहां पे जाओगे तो वहां देखोगे उसे कैसे मर्डर किया, कितनी गोलियां लगाई, कितने चप्पू के घाव मारे, सब देखोगे। वहां पुलिस आ जाएगी, आपको पूछेगी आपने देखा? हाँ मैंने देखा ना। आप आई विटनेस में नाम लिख के चले जाएंगे, बाद में जब पुलिस 5 साल के बाद आपको बुलाएगी तो आप बोलोगे मुझे वन ले तो मैं आऊंगा। यू कैन आस्क फ्रेंड्स, नो, इट्स योर ड्यूटी, यू आर इंडियन सिटीजन, आपको वहां जाना है, आपको कंसीडरेशन मांगे बिना, ओनली एंड ओनली आपको यहां से आना जाने का रिश्ता जायज मांग सकते हो, आप एक्सपेंसेस मांग सकते हो, लेकिन फ्रेंड्स आप स्पेशल कंसीडरेशन आई विटनेस के लिए नहीं मांग सकते हो। सेम वे हम लॉयर है, हम चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कोई अपील का केस लड़ने जाएंगे तो हम क्या बोल सकते हैं? नहीं नहीं, अपील जीत के आऊंगा ना, सक्सीड होगा ना, तो वन लेग फी, वन ऑफ दी हो, यू कांट से, यू आर अ लॉयर, इट्स योर ड्यूटी टू विन, लीगली बाउंड टू डू। जीतने के लिए मनी नहीं मांग सकते आप, हाँ लड़ने के लिए आने जाने के लिए मनी मांग सकते हो, फीस मांग सकते हो, लेकिन मैं जीतूंगा तो मैं इतना लूंगा, ऐसा आप नहीं बोल सकते। फ्रेंड्स रिमेंबर दैट इट्स ड्यूटी, वो फ्री में काम करवाएगा ना तो भी आपका ड्यूटी है, वो कभी भूलना मत। तो काउंसिल के पास से जीत के मैं ज्यादा फील होऊंगा, ये जो आप मांग रहे हो वो कंसीडरेशन वैलिड नहीं है। लीगली बाउंड टू डू, आप लीगली बाउंड है तो आपको वो करना ही चाहिए। फ्रेंड्स आपका कंसीडरेशन लोफुल नहीं होना चाहिए, इमोरल नहीं होना चाहिए। दारू की बोतल में कंसीडरेशन में दूंगा, प्रोस्टिट्यूट कोई करेगा, ये सब कंसीडरेशन इमोरल है। एक भाई को बोलेगा तू जेठ से शादी कर ले तो मुझे वन लेख भेज दूंगा, तो इमोरल है, उसको जिससे करना उसे करने दो भाई, तुझे बीच में आ रहा है इसलिए क्या बोल रहे हैं क्या? थिंग इज दैट इमोरल कंसीडरेशन इज नॉट वैलिड। भाई ने जेठ को बोला पी से डाइवोर्स ले ले तो मन बदल दूंगा, ऐसी सिचुएशन में वैलिड नहीं है, कंसीडरेशन वैलिड नहीं है। वाई डाइवोर्स ले भी लेगी तो भी उसको कुछ पेमेंट होगा नहीं, तो कंसीडरेशन इमोरल नहीं होना चाहिए। फ्रेंड्स रिमेंबर दैट वेदर थर्ड पार्टी कैन सू, इट्स अ कंसेप्ट ऑफ एक्सेप्शन ऑफ द प्राइवेटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। व्हाट इज द प्राइवेटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट? प्राइवेटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट यानी एक्स एंड वाई ने कॉन्ट्रैक्ट किया है तो एक्स एंड वाई एक दूसरे पे सू कर सकता है। एक्स एंड वाई टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट डिसाइड कर सकता है, दैट इज द प्राइवेटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन देयर आर सर्टेन एक्सेप्शन, ऑल्दो थर्ड पार्टी कैन सू फॉर द कॉन्ट्रैक्ट, थर्ड पार्टी इज नॉट द पार्टी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट की पार्टी नहीं है, तभी भी थर्ड पार्टी सू कर सकती है, एक्सेप्शन ऑफ द प्राइवेटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। तो फ्रेंड्स सबसे पहले ट्रस्ट, ट्रस्ट में क्या होता है समझ लो, आप अभी 12th के बाद कोई कॉलेज में जाओगे तो कॉलेज में जाने के टाइम आपको बाद में मालूम पड़ेगा, सेटलर यानी जिसने ट्रस्ट बनाया, जिसने कॉलेज बनाई है, सेटलर ने ट्रस्टी को बोला था यह कॉलेज पूरा सेंट्रल एसी हो जाना चाहिए विद इन 1 ईयर। ट्रस्टी ने बोला था हाँ हो जाएगा, लेकिन वो हुआ नहीं, 1 साल में हुआ नहीं। बेनिफिशियरी आर द स्टूडेंट, वेदर स्टूडेंट कैन सी ऑन द ट्रस्टी, यस, ऑल्दो देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द ट्रस्टी एंड सेटलर, बेनिफिशियरी नॉट एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, बेनिफिशियरी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं हुआ है, तभी भी बेनिफिशियरी कैन सू ऑन द सेटलर। कॉलेज का बेनिफिट, एसी का बेनिफिट किसको मिल रहा है? बेनिफिशियरी को। ट्रस्टी ने काम नहीं किया है तो बेनिफिशियरी ट्रस्टी पे सू कर सकता है, दैट इज द फर्स्ट। सेकंड है फैमिली सेटलमेंट। फ्रेंड्स फैमिली सेटलमेंट में क्या होता है? कर्ता ऑन बिहाफ ऑफ फैमिली
एंड फैमिली के ब्याह फैमिली के बेनिफिट के लिए कॉन्टेक्ट में अंतर होता है एंड राइटिंग में कॉन्टेक्ट होता है। तो कलता के भी आप कोई भी मेंबर सामने वाले पे स्यू कर सकता है फॉर मैरिज एक्सपेंसेस। जब पार्टीजन होता है ना, कुटुंब के सब लोग होते हैं, फैमिली के सब लोग होते हैं, सब अलग हो जाते हैं ना, तब लड़की जिसकी शादी बाकी है वो बोल सकती है मेरे मैरिज के एक्सपेंस पर अलग रखो, बाद में बंटवारा करो। फीमेल मेंबर कैन आस्क फॉर द मैरिज एक्सपेंसेस, ऐसा बोल सकती है, मेरी बड़ी बहन के लिए 50 तोला सोना रखा था आपने, आपने उसके लिए इतना इतना एक्सपेंस किया था, तो मेरे लिए पैसे ले अलग रखो, बाद में आप बंटवारा करो, बाद में आप पार्टीशन करो। मैरिज एक्सपेंस में लड़की बोल सकती है। असाइनमेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, नाछोड़ के कोई सीए के पास, कोई गवर्नमेंट का, यहाँ का नगर पालिका का काम होगा, कॉन्ट्रैक्ट है राजकोट का सीए एंड नगर पालिका, राजकोट का सीए जामनगर के सीए को वो काम देगा, तो जामनगर के सीए के पास राइट है कि नगर पालिका का जो टर्म्स कंडीशन है वो फुलफिल करवा पाए। यहाँ का सीए नगर पालिका को बोल पाएगा कि आपने टर्म कंडीशन में लिखा था एसी ऑफिस दूंगा, आपने लिखा था I7 का प्रोसेसर होगा, ये सब तो है नहीं, मैं काम कैसे करूं। असाइन न यानी राजकोट सीए, असाइन नी यानी जामनगर सीए कैन सू ऑन द नगर पालिका फॉर द फैसिलिटीज। सेम वे कई बार क्या होता है कि कुछ पोस्ट पेड हमारा जो मोबाइल का बिल होता है, कोई गवर्नमेंट ड्यूज कोई भी ड्यूज होते हैं, और डायरेक्टली कोई पार्टी नहीं लेती है, तो मैं बोल देता हूँ कि आपका मार्केट में बहुत बड़ा नाम है, अच्छा नाम है, आपका नाम सुनते लोग दे देंगे, तो जो कलेक्शन होगा 10% आपका, तो आप क्या करोगे, कलेक्शन के 90% मुझे दोगे। ऑन बिहाफ ऑफ मी मैंने आपको कॉन्टेक्ट असाइन किया है, यू कैन सू ऑन डेटर्स, डेटर्स पे आप डायरेक्टली सू कर सकते हो, ऑल्दो यू आर द थर्ड पार्टी, ऑल्दो यू आर द थर्ड पार्टी। एक्नॉलेजमेंट ऑफ द डेट, एल ने एम को बोला एन को मनी दे देना ये 10,000 रख, इमीडिएटली मुंबई एम नागपुर एन को बोला तेरे बिहाफ मेरे पास 10,000 आ गया, कल मैं दे दूंगा। दूसरे दिन एन लेने आया तो एम बोलेगा मुझे नहीं देना है, तूने मुझे कुछ कंसीडरेशन दिया था, मुझे तो एल ने दिया है, मैं एन को क्यों दूं, ऐसा नहीं बोल सकता। ऑल्दो एन हैज नॉट गिवन एनी कंसीडरेशन, एम हैज टू पे बिकॉज ही हैज इन्फॉर्म टू द एन, एल ने एम को मनी दिया था, एम ने एन को नहीं बताया होगा तो एम पे एन सू नहीं कर सकता। एक बार एम ने एन को बता दिया तेरे दिया मेरे पास मनी आ गए हैं, तो एन कैन सू ऑन मी, एन कैन सू फॉर मी, मैंने किसी को मनी पेमेंट करने के लिए दिया था, उसे थर्ड पार्टी को पेमेंट करना चाहिए, वो थर्ड पार्टी को पेमेंट नहीं करेगा तो थर्ड पार्टी उस बंदे पे सू कर सकती है। कोवेनेंट, कोई जगह पड़ी हुई है, समझ लो कोई कॉम्प्लेक्स है, वो 32C में नगर पालिका में क्लियर नहीं हुआ है, तब यह दुकानों बन गए, तो बना के आपने स्टैम्प पे लिख के दस्तावेज करके डीड बना के आपने इमीडिएटली दूसरे को देने लगे, तो यहाँ की जो लैंड की मैटर पेंडिंग है उसको आपको डीड में लिख देना है कि ये मैटर पेंडिंग है, अभी ये मैटर सक्सेस है यानी आपको अप्लाई होगी, इसका जो डिसीजन आएगा वो किसको फुलफिल करना है, आपको करना है, ऑल्दो यू आर द थर्ड पार्टी, अपील में मैं गया हूँ, डिस्प्यूट मेरा है, लेकिन लैंड मैंने आपको बेच दिया, आप थर्ड पार्टी हो, अपील का जो डिसीजन आएगा उसका पेमेंट आपको करना पड़ेगा। कोवेनेंट अटैच विद द लैंड सब्जेक्ट टू इन्फॉर्म टू द सक्सेसर व्हेन डीड वाज मेड, जब डीड बना था तुमने मेंशन करना चाहिए कितनी इतनी कोवेनेंट बाकी है आपको फुलफिल करना है। एजेंट, एजेंट को अथॉरिटी दिया हुआ है, तो एजेंट मेरे भी आप कलेक्शन भी कर सकता है, मेरे भी आप सीयू भी कर सकता है। तो ये जो सिचुएशन दी हुई है 7 सिचुएशन, उसमें थर्ड पार्टी कैन सीयू। Although third party is not a party to a contract, third party to a contract नहीं है, अभी भी third party sue कर सकती है। And आपने immediately भी देख लिया था, पहले ही आपने देख लिया था, without consideration there is no contract, consideration के अलावा contract नहीं हो सकता, लेकिन there are exception, in certain circumstances, certain situation, although there is a no consideration, but contract is valid. First natural love and affection. Wife ने husband को बोला था कि मैं आपको गर्मा गर्म खाना पका के दूंगी, बाद में wife नहीं बनवाएगी
नहीं बना के देगी तो वाइफ लायबल है, सब्जेक्ट को हस्बैंड लिखने ले लिख के ले लिया था। नेचुरल लव एंड अफेक्शन में एग्रीमेंट शुड बी रिटन एंड रजिस्टर्ड। हमें क्वेश्चन फ्रेंड्स दिमाग में ये होता है, नेचुरल लव एंड अफेक्शन होता है वहां की रिटर्न की जरूरत होती है क्या? तभी भी हमने थ्योरी में बोला है नेचुरल लव एंड अफेक्शन तभी वैलिड है जब वो रिटर्न में है एंड रजिस्टर्ड है। दशरथ के टाइम में तो कुछ नोटरी पब्लिक थी नहीं, इसीलिए दशरथ ने बोला तो भरत को राजगादी और राम को वनवास। वो नेचुरल लव एंड अफेक्शन था, दशरथ का कई कई के लिए नेचुरल लव एंड अफेक्शन था, उसकी वजह से वो कॉन्फ्लिक्ट वैलिड था और राम वनवास में गया। Thing is that return and register should be nowadays. Near relation होता है like husband and wife. वहाँ पे natural love and affection friends हो सकता है। Second, past voluntary services. मैं यहाँ पे नीचे गैरेज पे बाइक डेली रख के आता हूँ, वो वॉश करके देता है। एक दिन मैं रख के आया, उसको बोला नहीं था कि वॉश करना, तब भी उसने voluntarily वॉश कर दिया। मैं एग्जिस्ट था, मैंने देख भी लिया था। लेने के टाइम मैंने उसको प्रोमिस किया ये बाइक का वॉश का 100 रुपीज आज नहीं है मेरे पास, कल दे दूंगा। इट्स वैलिड। उसने वॉलंटरी जो काम किया लेकिन उसका मोटिव कंसीडरेशन का ही था, उस टाइम में एग्जिस्ट नहीं था। मैंने गो भी नहीं दिया मैं आपको 100 दे दूंगा, तो मुझे वॉलंटरी टास्क का भी मनी देना है। मैंने बेनिफिट एंजॉय किया है तो मुझे उसका पेमेंट भी करना चाहिए। तो पास वॉलंटरी सर्विसेज इज ऑल्सो कैन बी कंसिडर्ड एज ए कंसिडरेशन इफ इट इज मेड ड्यू टू दैट पर्पस। टाइम पे डेट फ्रेंड, किसी के पास आप मनी मांगते हो ना तो आप डेटर से पास 3 साल में ले लेना, मैंने बाद में वो पेमेंट नहीं करेगा, चलेगा। नोबडी कैन सी यू। तो टाइम पे डेट होता है, समझ लो आपकी सीपीटी का फी बाकी था, तो मैं कहीं पे भी 3 साल नहीं 5 साल 10 साल हो गए, रिसेप्शन में आप मुझे मिल गए, मैंने आपको बोला कि सीपीटी का फीस तो बाकी है, आपने कहा वो उनके सकल दे के जाऊंगा, ओरली बोला ना तो वैलिड नहीं है। वहीं पर आइसक्रीम खाते खाते लिखने दे दिया, साइन करके दे दिया, रिटर्न हो गया, तो दूसरे दिन आप मनी देने नहीं आओगे तो मैं आप पैसे उगा सकता हूँ। 3 साल के बाद भी रिटर्न किसने एक्नॉलेज किया है, रिटर्न में दिया हुआ है, तो आप सीयू कर सकते हो। इसलिए टाइम बाय डेट में भी कंसीडरेशन की जरूरत नहीं है इफ इट इज इन रिटर्न। नाउ एजेंसी, पुरानी एजेंसी होती है ना मारुति एंड फोर्ड, उसमें बहुत ज्यादा कंसीडरेशन होता है। उसमें कंडीशन भी होती है कितना कंसीडरेशन मारुति वाले लेते हैं, तो इतने एरिया में नया वर्कशॉप नया शोरूम मारुति का बनेगा नहीं, तो वहां तो कंसीडरेशन है। नई नई कोई कंपनी है आज ही मार्केट में आई है तो उसका कंसीडरेशन कौन पे करेगा? वैसे कंसीडरेशन में नई कंपनी होती है तो कोई पे नहीं करता है, भारत री नेपाल लेडी ऐसा कोई नया नाम होता है। तो एट दैट टाइम व्हाट हैपेंस, विदाउट कंसीडरेशन एजेंसी इज वैलिड। मैंने आपको विदाउट कंसीडरेशन कोई चीज बेचने के दिया, आपने मुझे बोला था यहाँ कोई जामनगर में हो किसी को देना नहीं, सबके बीच में बोला है कि इतने बड़े दाता है, इतने क्लास, इतने ऑफिस, इतना बिल्डिंग, नॉट ओनली हियर बट ऑल्सो इन सूरत महाराष्ट्र नवसारी एक्सेट्रा, इतने बड़े आदमी ये है, आज हमें ये कॉलेज स्टार्ट करना है इंजीनियरिंग, तो कितना देगा? आकाश में चढ़ा के बात गिरा है, वो क्या बोलेगा? हमने 5000 लोग बैठे हुए हैं, वैसे बोलेगा 1 करोड़ लिखो, नीचे वो आएगा ना तो वो देखा सर चेक तो लिखा था, देना कहाँ था? ऐसा नहीं हो सकता। कंप्लीटेड गिफ्ट है, उसमें आप एक बार बोल दिया तो आपको पेमेंट करना पड़ता है, उसके बेस पे सामने वाले ने कुछ कॉन्टेक्ट किए होने चाहिए। इन कंप्लीटेड गिफ्ट में कंसीडरेशन की जरूरत नहीं है। बेल में किसी भी पर्पस के लिए दूसरे को गुड्स देना, मे भी संभालने के लिए और मे भी ट्रैवलिंग यानी कुरियर के लिए, किसी भी पर्पस के लिए दूसरे को गुड्स देना, दैट इज द बेलमेंट, बेल नहीं है बदल बोलते हो, बेलमेंट यानी बेलमेंट का मतलब किसी भी पर्सन को कोई भी पर्पस से गुड्स दें। तो बेलमेंट में कंसीडरेशन कंपलसरी नहीं है। एक से भाई को बोला मैं बैग संभाल, मेरे 10 मिनट में आई, तो बाद में भाई बोलेगा बैग नहीं देना है कि 100 रुपीज भेजे तो, क्योंकि मैंने 10 मिनट संभाला, ऐसा नहीं हो सकता। इट्स ए वॉलंटरी, इट्स ए वैलिड।
एंड चेरी टी, सेम वे लाइक कंप्लीटेड गिफ्ट, चेरी टी में भी मैंने जो दिया हुआ है वो चेरी टी, मैंने एक बार बोल दिया तो मुझे देना पड़ता है। तो ये सब चीजें है जो विदाउट कंसिडरेशन भी कॉन्टेक्ट वैलिड है। थैंक यू वेरी मच।